अगर आपके भी किसी भी मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए मैं प्ले स्टोर को ओपन कर रहा हूँ तो कीप स्टॉपिंग लिखा हुआ है। अगर आपके किसी भी मोबाइल फ़ोन पर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखें यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अदर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखें अदर सिक्योरिटी सेटिंग, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें डिवाइस एडमिन ऐप वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से फाइंड माय डिवाइस को यहाँ पे डीएक्टिव कर देना है आपने। यहाँ देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है डीएक्टिव, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके डीएक्टिव कर देना है। उसके बाद आपको बैग आना है। बैग आने के बाद यहाँ पे आपको ऐप वाला एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर वाला ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा, आपको ढूंढ लेना है उसके। देखिए यहाँ पे नज़र आ गया, तो इसको ओपन करना है और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर कैशे कर देना है। कैशे क्लियर करने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे क्लियर डेटा कर देना है। डेटा करने के बाद बैग आना है। बैग आने के बाद आपको यहाँ पे डिसेबल, देखिए डिसेबल वाला ऑप्शन है यहाँ पे, डिसेबल इसको एक दफ़ा करना है। डिसेबल करने के बाद फिर से इसको इनेबल कर देना है। तो आपको ये काम ज़रूर करना है, पहले डिसेबल करना है इसको, उसके बाद यहाँ पर फिर से इनेबल कर देना है। देखें यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको एक दफ़ा फिर से बैग आना है। बैग आने के बाद यहाँ पे आपको गूगल प्ले सर्विस वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए गूगल प्ले सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर भी वही करना है जो आपने इससे पहले किया था। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट इसकी अनइंस्टॉल कर देना है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अनइंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक दफ़ा अपना मोबाइल जो रिस्टार्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप रिस्टार्ट करने के बाद ऑन कर लिया मैंने, अब मैं अपना, और यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर भी ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप जो है किसी भी मोबाइल फ़ोन में अगर प्ले स्टोर, तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने प्ले स्टोर ओपन हो चुका है जो तरीका मैंने बताया। इस तरीके से अगर आप सेटिंग को रिसेट करते हैं तो आपकी वाली प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, चाहे आपका मोबाइल कोई सा भी हो। अक्सर ये प्रॉब्लम जो है पुराने मोबाइल फ़ोन पर आती है, नए मॉडलों पर नहीं आती। तो फ्रेंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।